आज हम डील करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है जो कि ऐसे कंपाउंड्स से डील करती है जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड हो, उनकी प्रॉपर्टी से डील करती है उनके स्ट्रक्चर से डील करती है। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बोंड्स वो स्ट्रक्चर वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बोंड्स हो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिवियसली द ट्रम ऑर्गेनिक वॉज यूज ओनली फॉर दोज सबिस्टेंट्स विच आर ऑबटेन फ्राम एनिमल और प्लान्ट एंड कूड नॉट बी प्रिपेयर इन द लेबॉट्री पहले क्या होता था ऑर्गेनिक का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते थे उन सब्सटेंस के लिए जो कि हमें डायरेक्ट प्लांट और एनिमल सोर्स से मिल सकें मींस लिविंग सोर्स से मिल सकें जिनको हम किसी भी लेबोरेटरी या फैक्ट्री में प्रोड्यूस ना कर सकें इट वाज थॉट दैट अ वाइटल सोर्स वाज रिक्वायर्ड फॉर दियर प्रोडक्शन दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड इन नाइनटीन सेंचुरी बाई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट पहले क्या होता था यही थ्योरी पेश की गई थी नाइनटीन सेंचुरी से पहले कि के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ़ एक लिविंग सोर्स से हमें मिल सकते हैं नॉन लिविंग सोर्स से नहीं और उनके लिए हमें वाइटल सोर्स की रिक्वायरमेंट है कोई भी ऐसी सोर्स जो नेसेसरी हो लाइफ लाइफ के लिए उसकी नेसेसरी होती है ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकें लेकिन ये थ्योरी नाइनटीन सेंचुरी में रिजेक्ट हो गई क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी अंग केमिस्ट होलर इन एटीन ट्वेंटी एट प्रिपेर्ड यूरिया एंड द लेबॉरटरी फ्राम इनऑर्गेनिक मटीरियल एटीन ट्वेंटी एट में क्या हुआ होलर एक साइंस केमिस्ट था जिसने क्या किया इनऑर्गेनिक मटीरियल से ऑर्गेनिक मटीरियल प्रोड्यूस कर दिया यूरिया अमोनियम साइनेट बाई बॉयलिंग इट विथ वाटर यूरिया इज अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरन एंड हैंड्स इट इज़ अ टिपिकल ऑर्गेनिक कम्पाउंड उसने क्या किया इनऑर्गेनिक मटीरियल जो कि था हमारे पास अमोनियम साइनेट उसे बॉयल किया वाटर के साथ उसे क्या किया बॉयल किया वाटर के साथ हमें यूरिया मिला यूरिया क्या है हमारे पास मेटाबोलिक वेस्ट है प्रोटीन और अमाइनो एसिड की जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको हम कहते हैं यूरिया इसलिए हम कहते हैं यूरिया इज द मेटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड थर्स द वाइटल थ्योरी वाइटल फॉर लाइफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड़ नॉट बी मेड विदाउट लिविंग सेल्स वाज डिस्कार्डेड ये थ्योरी रिजेक्ट की गई क्योंकि इनऑर्गेनिक से भी हम ऑर्गेनिक बना सकते हैं जैसे वोलर ने बनाया था यूरिया अमोनियम साइनेट से नाउ डेज मेरी ऑर्गेनिक्राम इनऑर्गेनिक मटीरियल्स अ वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रीवियसली आइसोलेटेड फ्राम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज हैव बिन सेंथिसाइज्ड बहुत सारे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम इनऑर्गेनिक से बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल रबर वाज आइसोलेटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स फ्राम रबर प्लान टूडे रबर इज मैन्युफैक्चर्ड लार्जली फ्राम सेंथेटिक मटीरियल्स पहले क्या होता था जो रबर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम पहले लेटेक्स से रहते थे, थे रबर प्लांट लबर प्लांट क्या है हमारे पास लिविंग सोर्स लेकिन आज हम रबर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सेंथेटिक मटेरियल है वो आज हम फैक्ट्रीज में भी रबर को प्रोड्यूस कर सकते हैं केक्यूल इन 1865 प्रोड्यूस फाइव प्रूव दैट बैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर एंड कार्बन कंपाउंड ही इज ही आल्सो एस्टेब्लिश चेन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अ टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड केक्यूल ने क्या किया प्रूव कर दिया कि कार्बन हमें पता है कार्बन की वैलेंसी फोर है वो फोर ग्रुप से बिलोंग करता है उसकी वैलेंसी क्या है फोर है उसके चेन स्ट्रक्चर भी हैं कुछ रिंग स्ट्रक्चर भी हैं उसने रिंग स्ट्रक्चर भी बनाया जिसको हमने नाम लिया बेंजीन बेंजीन क्या है हमारे पास टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है The vast number of organic compounds prepared over a short period and unique nature of such compounds necessitate treatments made the study of organic compounds separately from necessities, the study of organic compounds separately from compounds derived from the rest of the elements. Kya, kya, hum? जैसे जैसे हमने ट्रीटमेंट किया हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं इसलिए हमने उस स्टडी को आइसोलेट कर दिया उन एलिमेंट्स हैं जिनको जो ऑर्गेनिक नहीं है इसलिए हमने दोनों की स्टडी सेपरेट कर दी इनऑर्गेनिक की भी ऑर्गेनिक की भी इन द व्यू ऑफ यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कम्पाउंड दे आर स्टडीड सेपरेटली फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटीरियल्स यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की वजह से हम उनको इनऑर्गेनिक मटीरियल से अलग पढ़ते हैं सम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दोज कॉम्पलेक्स कम्पाउंड कंटेन मेटल आर एक्सकलूटेड फ्राम दिस ब्रांच कुछ कम्पाउंड ऐसे जिनमें कार्बन होता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता जैसे हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये हम इनऑर्गेनिक में शामिल करते हैं ऑर्गेनिक में नहीं क्योंकि इसमें ऑक्साइड या हाइड्रोजन नहीं है ऑल दो द अर्थ क्रस्ट कंटेन ओनली जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन परसेंट कार्बन मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू बाउंड टू अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स ब्रांच चेन्स रिंग एंड कार्बन एटम्स विद चेन एंड रिंग्स टूगेदर कार्बन की वजह से कार्बन इसीलिए हमें वैसे तो अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन बहुत कम है ओनली जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन परसेंट है लेकिन कार्बन इतना वास्ट क्यों है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन कार्बन अपने ही रिंग स्ट्रक्चर हो ब्रांच स्ट्रक्चर हो चेन्स हो उसके साथ बाउंड करता है टू बाउंड इट्स वो खुद ही अपने एटम के साथ बाउंड करता है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू बॉन्ड विमेंट भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन कार्बन की सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उसकी बैलेंसी की वजह से उसकी बैलेंसी फोर है एंड यूनिक प्रॉपर्टीज अदर एलिमेंट ऑल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन बट कार्बन डज इट

द मिनरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम हमारे पास मिनरल सोर्स कौन सी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोल है नेचुरल गैस है एंड पेट्रोलियम प्लांट्स आर ऑल्सो अमंग नेचुरल सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोल The bituminous or soft coal is very important source of organic compound. This when subject to destructive distillation products of industrial importance are obtained. Coal हमारे पास क्या है या soft coal या bituminous coal वो हमारे पास most important organic compound है जिस जब उसकी हम destructive distillation distillation करते हैं तो वो और भी हमें products देता है distillation क्या है कि हम किसी भी mixture को separate कर दें कोई भी कंपाउंड हो कोई भी मिक्सचर हो उसको हम सेपरेट करते हैं। बाय हीटिंग करें या बाय कूलिंग करें इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन अब डिस्ट्रक्टिव क्या है वो आगे देखेंगे जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे अब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्यों कह रहे हैं डिस्टिलेशन तो हमें पता है किसी भी मिक्सचर या कंपाउंड को तोड़ना या बाय इट्स हीटिंग और बाय कूलिंग अब डिस्ट्रक्टिव क्या है डिस्ट्रक्टिव वो कंपाउंड हो जो सॉलिड हो किसी भी सॉलिड की अगर हम डिस्टिलेशन करेंगे तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अब कोल की हमने जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो हमें तीन प्रोडक्ट्स मिली एक गैस प्रोडक्ट मिली विस्कस लिक्विड मिला डाइलेट लिक्विड नहीं है विस्कस है मीन्स थोड़ा इतने अभी डायलिटेशन नहीं हुई है सॉलिड मटेरियल मिले गैस में हमारे पास मिला कोल गैस विस्कस में मिला कोल टार एंड सॉलिड में हमें क्या मिला कोक ये याद कर लें कि कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे हमें तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगी गैस प्रोडक्ट लिक्विड प्रोडक्ट एंड सॉलिड प्रोडक्ट गैस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है कोल गेस विस्कस लिक्विड में क्या है कोलटार सॉलिड में क्या है कोक कोल गैस क्या है मेन प्रोडक्ट यूज एज फ्यूल जो हम फ्यूल के लिए यूज करते हैं टार क्या है अ गुड सोर्स ऑफ हंड्रेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोक क्या है प्योर कार्बन प्योर कार्बन यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट्स इन इन इंडस्ट्रीज हम क्या करते हैं कोक को इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट अब यहाँ पे आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोलटार वहाँ पे क्या था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमें पता है क्या है अब आ गया था डिस्ट्रक्टिव और फ्रैक्शनल डिस्ट्रिक कोई भी सॉलिड हार्ड स्ट्रक्चर की हम डिस्टिलेशन करें उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल क्या होगा कोई भी लिक्विड मिक्सचर हो या विस्कस हो अगर इनकी इसकी हम करेंगे डिस्टिलेशन तो हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल लिक्विड का जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल फ्रैक्शन में डिस्ट्रिक्टिव में क्या है सॉलिड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोल टार क्योंकि ये लिक्विड है विस्कस है वेन कोल इज डिस्ट्रिक्टली डिस्टिलेटेड फोर प्रिंसिपल फ्रैक्शन आर कोल ऑप्टेड कोल टार कोक एंड अमोनियम लिक्योर्स वन ऑफ दीज कोलगेस विच कंटेन्स मेनली ऑफ मीथेन कोल गैस में मेनली क्या हमें मिलता है मीथेन एंड हाइड्रोजन इज यूज एज फ्यूल वाइल कोक का फॉर्म ऑफ कार्बन जो कि हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं इन मैनी इंडस्ट्रीज इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं कोक को द कम्पोजिशन ऑफ कोल टार वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कोल कोल टार की कंपोजिशन एक नहीं होती डिपेंड ऑन द कोल जैसा कोल होगा वैसा हमें कोल टार मिलेगा हाउ एवर कोल इज कंपोज ऑफ वेरियस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोल हमें कंपोज किस चीजों का होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बंस अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसको हम नाम देते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिंग स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन रिंग स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल्ट इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट हंड्रेड किलोग्राम ऑफ टार विल यील्ड वन टू टू ग्राम ऑफ बेंजीन जब भी हम हंड्रेड किलोग्राम ऑफ कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे हमें वन टू टू ग्राम किलोग्राम ऑफ बेंजीन मिलेगा

फिर हमारे पास आती है नाइट्रोजन थ्री पॉइंट एट एट देन आती है हमारे पास इथेन वन पॉइंट जीरो फाइव बस आप ज्यादा वाली याद कर लें नाइन्टी फोर पॉइंट सिक्स जीरो है सबसे कम हमारे पास क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड विथ वी लीस्ट परसेंटेज जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट पेट्रोलियम पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल रॉक ऑयल को हम कहते हैं डार्क ऑयल या वो ऑयल जो हाइड्रोकार्बन्स का मिल बनाओ रोक ऑयल को हम क्या कहते हैं डार्क आयल या वो ऑयल जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने इट इज यूजुअली फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वो हमेशा नीचे सरफेस की अर्थ से मिलता है इट इज़ अ विस्कस लिक्विड कंप्राइजिंग ऑफ कंपोनेंट विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ये भी एक विस्कस लिक्विड है पेट्रोलियम जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होती हैं जिनकी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं इट कंटेंस अल्केस अल्किन्स साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केरोमैटिक हाइड्रोकार्बंस पेट्रोलियम में क्या क्या होते हैं अल्केन्स, अल्केस साइक्लोअल्केन्स, अल्केरोमैटिक हाइड्रोकार्बंस बिसाइड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस आल इज कॉल्ड क्रीड ऑयल क्रियड ऑयल को हम कहते हैं नाम देते हैं अनरिफाइंड ऑयल मतलब वो ऑयल जिसकी अभी रेफिनेशन ref, नहीं हुई है वेन सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेवरल ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑप्टेड दिस इज नॉन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जब रिफाइनिंग नहीं हुई तो हम उसे क्या कहेंगे क्रूड ऑयल इफ रिफाइनिंग हो गई तो हम उससे कहेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम उससे हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं अब हम आते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज रिफाइंड बाई पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाई डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल इज़ केरीड बाई पाइप्स टू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स एंड हीटेड टू अब फोर हंड्रेड डिग्री सी एक रिफाइनिंग डिस्टिलेशन में पूरा एक बना होता है एक मशीनरी सिस्टम बना होता है उसमें हम क्या करते हैं क्रूड ऑयल जो अनरिफाइंड होता है उसको हम क्या कहते हैं पाइप्स के थ्रू पास करते हैं अंडर द हीटिंग उसको हम कितनी हीट देते हैं अबव फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर वॉपटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कंडेंस हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट हमें कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि हम उनको कंडेंस कर देते हैं मोर देन फाइव हंड्रेड कंपाउंडस एड बिन फॉर्म्ड इन पेट्रोलियम डिस्टिलेट वॉयलिंग बिलो टू हंड्रेड जैसे भी हम पेट्रोलियम की डिस्टिलेट करते हैं बिलो टू हंड्रेड हमें मोर देन फाइव हंड्रेड कंपाउंड्स मिल जाते हैं ये कुछ टेबल्स में लिखे हुए हैं देख लेते हैं अगर हमने बिलो ट्वेंटी किया तो हमें कौन से कार्बन एटम्स मिलेंगे सी वन टू सी फोर जिसमें आ जाएंगे नेचुरल गैस बॉटल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स बिलो बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सिक्सटी सेल्सियस हमें क्या मिलेंगे सी फाइव टू सी सिक्स पेट्रोलियम ईथर सॉल्वेंट्स सिक्सटी टू वन ट्वेंटी करेंगे तो सी सिक्स टू सी सेवन लिगरॉइन सॉलवेंट्स नेपथा फोर्टी टू अगर टू हंड्रेड करें तो ये इसको भी इंक्लूड कर लेगा सिक्सटीन के बीच में आ गया ये दोनों बीच में आ गए फोर्टी टू टू हंड्रेड करेंगे तो हमें सी फाइव टू सी टेन मिलेंगे जिसमें गैसोलीन आ गया ये मींस जो भी ये गिवन है ना ये इस इस टेम्परेचर पे हमें मिल जाते हैं और इनके कार्बन आइटम्स इतने इतने होते हैं रेंज इन्होंने दी हुई है वन सेवेंटी टू थ्री पे करेंगे तो ट्वेल्व एटीन और कैरोसिन एंड जेट फ्यूल मिलेंगे नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड नॉन वॉलेटाइल जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल हो वो C20 से हायर होते हैं रिफाइंड मिनरल लुब्रिकेटेड ऑयल एंड ग्रीस नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स T20 से हायर ये भी पैराफिन वैक्स एंड टार ये कुछ कंपाउंड्स हैं या जो डिफरेंट टेम्परेचर की रेंज पर हमें मिल जाते हैं जब हम पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करते हैं गैसोलीन और पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन गैसोलिन हमारे पास क्या है मिक्सचर है हेक्जेन और हेप्टेन का सिंस द डिमांड ऑफ गैसोलिन इज इंक्रीज ड्यू टू इट्स इंक्रीज यूज़ ऑफ़ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स हम गैसोलिन को यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में गैसोलिन ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है एयरप्लेन्स में यूज़ होती है इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है द क्रिकिंग इज एम्प्लॉयड टू ऑप्टेन इंक्रीज क्वान्टिटीज ऑफ पेट्रोल फ्राम क्रूड ऑयल हम अब क्रिकिंग करते हैं ताकि हमें पेट्रोल की क्वान्टिटी ज़्यादा मिल जाए क्योंकि गैसोलिन की डिमांड बढ़ रही है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल पेट्रोलियम नोकिंग इज द शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस इन द इंटरनल कम्बस्टन इंजन नोकिंग ऐसा अनोइंग साउंड होता है जो कि इंटरनल कम्बस्टन मशीन होती है एक जिसपे हमें सुनाई देता है इंटरनल कम्बस्टन जो हमारे पास इंजन होती है उसमें हम क्या करते हैं पेट्रोल को बर्न करते हैं जहाँ पर पे पेट्रोलियम की बर्निंग हो जाए इट काजेज इट्स काज इज गैसोलिन ऑफ लो ऑक्टेन नंबर द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलिन अब ऑक्टेन नंबर क्या है ऑफ गैसोलिन वैसे इसका ऑक्टेन नंबर डिफर करता है लेकिन जो कॉमन है वो एटी सेवन है ये क्यों होता है अगर ये नंबर कम हो जाए तो ये नोकिंग प्रोड्यूस करेगा नोकिंग नोकिंग एक अनोइंग साउंड होता है एक मशीन के लिए अनोइंग साउंड होता है मेटलिक साउंड होता है अगर ये ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए तो वो कम हो जाएगा अगर ये ऑक्टेन नंबर कम हो जाए तो वो क्या करेगी uh, uh, नॉकिंग साउंड भी प्रोड्यूस करेगी और उसका ऑक्टेन नंबर भी कम हो जाएगा अब ऑक्टेन नंबर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रिफॉर्मिंग अप्रोसेस अप्रोसेस सम वॉट सिमिलर टू क्रैकिंग विच अगेन ब्रिंग्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेट चैनल केन्स एंड टू ब्रांड चैनल केन्स जिसमें हम क्या करते हैं स्ट्रेट चैनल केन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेनल केन्स में इफ द पेट्रोल इज यूज इज ऑफ सच क्वालिटी दैट इट्स वेपर मिक्सड विद एयर कैन इग्नाइट प्योर टू हाई कंप्रेशन ऑन पासिंग ऑन फायरिंग स्पार्क इग्नाइट हमारे पास क्या होता है ऐसी चीज हम हवा के साथ मिला जे मिला दें जिसमें फायर कैच हो जाए फायरिंग हो जाए आग जल जाए अब पेट्रोलियम को जब हम करेंगे एयर के साथ तो वो इग्नाइट कर सकती है लेकिन बाय हाई कंप्रेशन फायरिंग स्पार्क्स प्रोड्यूस हो सकती हैं द एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इज नॉट यूटिलाईज इन मूविंग द पिस्टल मशीन में एक पिस्टल लगे होते हैं जिससे हम मशीन को मूव कर रहे होते हैं वो एनर्जी हम उसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट क्या होते हैं हमारे पास बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट कैटल्स हमारे पास क्या होते हैं जो ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं लेकिन रिएक्शन को बढ़ा देते हैं द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में भी रिफॉर्म टू अदर मॉलिक्यूल्स विच गिव बेटर परफॉर्मेंस एज मेटर फ्यूल्स दिस पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट द मैन्युफैक्चर ऑफ एविएशन गैसोलिन इन द प्रेजेंट ऑफ कंपाउंड कार एटिन नॉकिंग कैन बी डिक्रीज वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स ऑक्टेन नंबर द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलिन में ऑल्सो इंक्रीज बाई एडेंट्रेट्राइथाइलेड एंड नॉकिंग क्या होता है कि हमें एक ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन मेंटेन करना होता है अगर ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन लो हो जाए एक तो रिफॉर्मिंग सही नहीं होगी और नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा अब उसके लिए कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो इस चीज को होने से रोक सकते हैं इनहिबिटर क्या होता है जो किसी भी रिएक्शन को अपोज करे नॉकिंग इनहिबिटर हमारे पास कौन सा है लेड विच मॉडरेट एक्सप्लोजन इन द सिलेंडर्स ऑफ द इंजन बट फ्यूल कंटेनिंग लेड पोल्यूट द एटमोसफेयर विथ लेड अब लेड हमारे पास खतरनाक होता है इसकी वजह से हमारे एटमोसफेयर में पोल्यूशन काज होती है अब यहाँ पर देखें एन ऑक्टेन स्ट्रेंट चेन की वजह से मदद से हम इसको हीट भी कर रहे हैं ये ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो रही है बस अब ये आप याद कर लें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम किसकी करते हैं कोक की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किसकी करते हैं कोल टार की और हम जब भी कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे गैस प्रोडक्ट लिक्विड प्रोडक्ट और सॉलिड प्रोडक्ट गैस में हमारे पास आ गया कोल गैस लिक्विड में हमारे पास आ गई कोलटार एंड हमारे पास सॉलिड में हमारे पास आ गई कोक कोक आ गई और एक और भी होता है अमोनिकल लिक्वस ये भी हमें मिलता है द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली ट्वेंटी परसेंट पेट्रोल जब भी हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें ओनली ट्वेंटी परसेंट पेट्रोल मिलता है एडिशनल क्वालिटीज ऑफ पेट्रोल आर ऑप्टेंड बाय क्रैकिंग ऑफ हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन एडिशनल जो हमारे पास क्वान्टिटीज़ हैं पेट्रोल की वो हमें इसलिए मिलती है क्योंकि हम उसकी क्रैकिंग करते हैं क्रैकिंग इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग द लार्जर मोलिक्यूल्स ऑफ लेस वॉलेटाइल फ्रैक्शन इन टू स्मालर मोलिक्यूल्स ऑफ ग्रेट वॉलेटाइल बाई सब्जेक्टिंग देन टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्रिकिंग क्या है हम लार्ज मोलिक्यूल्स की जिनकी वॉलेटाइल वॉलेटाइलेशन कम हो वो रूम टेम्परेचर पर इतना जल्दी उड़ नहीं जाते उनकी हम क्या करते हैं उनको स्प्लिट कर देते हैं स्मॉलर मोलिक्यूल्स में जिनकी रियोटी होती, होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस की वजह से बिकॉज बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोलियम क्रैकिंग आल्सो यील्ड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स जब हम पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके बहुत सारे बायोक्ट भी हमें मिलते हैं जैसे इथिन प्रोपीन ब्यूटीन एंड बेंजीन कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं चार इथीन प्रोपीन ब्यूटीन एंड बेनजीन दीज आर यूज फॉर मेकिंग ड्रग्स प्लास्टिक डिटर्जेंट एंड सेंथेटिक फाइबर्स सेंथेटिक रबर फर्टिलाइजर्स वीट किलर जो फसल को तबाह कर दें सेंथेटिक फाइबर्स केमिकल्स लाइक इथेनॉल फिनॉल एंड एसीटोन ये हमें जो चार मिलते हैं बायो प्रोडक्ट इथिन प्रोपीन ब्यूटीन एंड बेंजीन वो हम ड्रग्स के लिए प्लास्टिक के लिए वुड किलर्स के लिए रबर्स के लिए फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल मेन प्रो प्रोपेन इज हीटेड टू टेम्परेचर बिटवीन 700 हंड्रेड टू एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इन द एबसेंस ऑफ एयर इट इज क्रेक्ट टू गिव प्रोपीन इथिन मीथेन एंड सम हाइड्रोजन गैस। हम क्या करते हैं प्रोपेन के टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन को हम हीट करवा रहे हैं 700 हंड्रेड टू एट हंड्रेड टेम्परेचर के बिटवीन में एयर की उस एयर का वहाँ पर कोई काम नहीं तो हमें क्या क्या मिलेगा प्रोपीन इथिन एंड मीथेन विद हायर नंबर ऑफ अल्के्के्के्के्केन द क्रैकिंग रिएक्शन बिकम्स कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अल्क अल्केस में ज़्यादा कार्बनस होंगे उस उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी क्रैकिंग करना मुश्किल हो जाएगी कंसिडर फॉर एग्जाम्पल द क्रैकिंग ऑफ हैवी गैस ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ जॉयलाइट एज कैटलिस्ट हमने क्या किया था जब प्रोपेन की हमने की थी क्रैकिंग तो उसमें हमने कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया था वहाँ पे हमने हीटिंग की थी अब हम क्या करेंगे एक हैवी गैस है हैवी गैस ऑयल जिसका देखें कितने कार्बन है सेवन फिफ्टीन एंड सेवन कितने हो गए सेवन एंड सेवन फोटीन एंड फिफ्टीन ट्वेंटी नाइन कार्बन का है उसको हम क्या कर हैं जोइलेट एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी एन हेप्टेन वन हैपटेन एंड द फर्दर क्रैक्स इन टू स्मॉल अब इसको हम और फर्दर स्मॉल मोलिक्यूल्स में तोड़ सकते हैं जितना जितना का नंबर बढ़ेगा उतनी उतनी क्रैकिंग हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और कैटलिस की भी नीड पड़ेगी हमें अब पोलिमराइजेशन क्या है पोलिमराइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स इट इज अ सेल्फ एडिशनल रिएक्शन हमने क्रैकिंग पढ़ा जिसमें क्या हो रहे थे लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहे थे अब उसका अपोजिट है उसमें क्या हो रहे है? रहे हैं हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स सेल्फ एडिशनल रिएक्शन करके लार्ज बना टाइप्स ऑफ पोलिमराइजेशन कौन कौन से हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिमराइजेशन एडिशनल पोलिमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन एडिशनल पोलिमाइजेशन व्हेन मेनी मोनोमर्स अंडरगो सेल्फ कॉम्बिनेशन रिजल्टिंग इनटू सब्सटेंस विथ अ मॉलिक्यूलर मास मेनी टाइम्स ग्रेटर देन मोनोमर्स देन द प्रोसेस ऑफ पोलिमराइजेशन इज नोन एज एडिशनल पोलिमराइजेशन जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पोलीमर बनाएंगे सेल्फ एडिशन रिएक्शन करेंगे तो उस पोलिमराइजेशन को हम कहेंगे एडिशन पोलिमराइजेशन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द एडिशन पोलिमराइजेशन इज सेम एज देट ऑफ मोनोमर फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ पोलिथीन फ्राम इथाइलीगजाम्पल याद करेंडिशन का एग्जाम्पल है एडिशन पोलिमराइजेशन का कंडन पोलिमराइजेशन इन कंडन पोलिमराइजेशन देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ बाय बाई प्रोडक्ट यूज वाटर बेटलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलिमर फॉर्म्ड बाय कसेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग फिनोल एंड फॉर्म हल्डिया मोनोमर्स उसमें हमने मोनोवर कौन सा लिया था एडिशन पोलियम में, ये हाँ, MCQs 2019 वाली टेस्ट में आ चुका है बायोलॉजी में शायद पढ़ा होगा कंडेंसेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल एड होता है लेकिन कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन अब ये क्या करेगा फिनोल और फॉर्म अल्डीहाइड इसके मोनोमर से जब फिनोल के दो मोलिक्यूल्स फॉर्म अल्टीहाइड से रिएक्ट करेंगे वाटर रिमूव हो जाएगा बेकलाइट फॉर्म करेगा ठीक है अब हम इसका देख लेते हैं क्रैकिंग क्या था हमारे पास कि क्रैकिंग क्या था कि जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहे थे अब पॉलीमराइजेशन उसका अपोजिट है उसमें क्या था कि हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स अब उसमें डिफरेंट मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं एडिशन हमारे पास दो टाइप से एडिशन में क्या था कि एक एग्जाम्पल था पोली किससे मिलके बन रहा था इथाइलिन उसका मोनोमर था इसका जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा वो उसके मोनोमर जैसा होगा फार्मूला उसके मोनोमर जैसा होगा ठीक है अब हमारे पास दूसरा कौन सा था कंडेंसेशन, जिसमें वाटर की रिमूवल हो जाएगी इसका एग्जाम्पल कौन सा था बेकलाइट इसके मोनोमर्स कौन से थे हमारे पास टू फिनोल मॉलिक्यूल्स अगर नहीं भी लिखा हुआ टू तो खैर है फिनोल प्लस फोर ठीक है ये बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस आप इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करें ज्यादा वर्डिंग पे फोकस ना करें और क्रैकिंग में कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जैसे अल्केन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और हमें कैटलिस्ट की भी नीड पड़ेगी वैसे अगर हम छोटे नंबर की छोटे नंबर वाले कंपाउंड की क्रैकिंग करेंगे तो वो इजीली हो जाएगी ठीक है